का रेसिपी है कच्चा टोमेटो के साथ कतला का माच। ये जो रेसिपी है आप जब तक इसको अपने किचन में बनाएंगे नहीं आप उसको स्वाद नहीं जान पाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है, आप इसको अपने किचन में एक बार जरूर बनाएं और आपका जो भी अनुभव है मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताएं। इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले उसका मसाला का प्रिपेरेशन कर लेंगे। मसाले के लिए हमको जरूरत है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली सरसों दाना, 1 चम्मच पीली सरसों दाना, कुछ दाना लहसुन के और हरी मिर्च और लाल मिर्च। अभी हम इन सारे मसालों का एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अभी कढ़ाई हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम उसमें लेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। यहाँ पर मैंने कतला फिश लिया है 5 पीसेस। अब उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, इसको थोड़ा चारों तरफ से स्प्रेड कर देंगे तेल को। अब हम उसमें फिश को डाल देंगे। फिश को हमको ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा ही उसको डालने के बाद थोड़ा टाइम के बाद ही इसको पलट देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज, इसको थोड़ा सा ऐसे निकाल के डाल देंगे। एक कटा हुआ आलू बड़ा साइज का, 4 कटे हुए कच्चा टमाटो, 1 कप कटा हुआ हरा प्याज का पत्ता, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और हमारा पीसा हुआ मसाला इसमें डाल देंगे। अभी हम इसको हल्का हल्का धीरे धीरे से मिक्स कर देंगे। अभी हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, धीरे धीरे इसको मिक्स करेंगे नहीं तो फिश जो है टूट जाएगा। अगर आपको जरूरत है तो बहुत ही कम हल्का, आधा कप से भी कम पानी आप दे सकते हैं, बट मसाले में बहुत पानी था तो इसमें मुझे और जरूरत नहीं है, इसी में ही हो गया। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको धीमी आंच पर कम से कम 20 मिनट ढककर पका लेंगे। अभी बीच में हम सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं। ये भी थोड़ा और टाइम लगेगा पकने के लिए। अभी हमारा 20 मिनट हो गया है, अब हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। अभी पानी भी पूरा सूख गया है और आलू जो है पूरा अच्छे से पक चुका है। अब ये हमारा पूरा बन गया है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे।